नमस्कार, मेरा नाम आयुषी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। आइए जानते हैं उत्तराखंड की कुछ खास और नई खबरें। हरिद्वार के योगा एक्सप्रेस में शराब पीने से टोकने पर युवक ने लुधियाना के बुजुर्ग को मारा चाकू, जिससे उनकी मौत हो गई। मुखबिर ने जीआरपी को बताया कि एक युवक की शर्ट पर खून लगा है और वह स्टेशन पर घूम रहा है। इसके बाद जीआरपी ने आरोपी युवक को स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए खुली गिरतांग गली, एक बार में जा सकेंगे 10 पर्यटक। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की भैरव घाटी के समीप गिरतांग गली में खड़ी चट्टानों को काटकर लकड़ी से निर्मित सीढ़ीदार ट्रैक बनाया गया है। उत्तराखंड में 20 और 21 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा तय, ये रहेगा उनका कार्यक्रम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि जेपी नड्डा 20 अगस्त को सुबह 10 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर आएंगे नड्डा, होगी 11 बैठकें। प्रदेश संगठन की ओर से बुधवार को नड्डा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। नड्डा का 2 दिवसीय दौरा 20 अगस्त से शुरू होगा। उत्तराखंड के चुनावी साल में धामी सरकार का तीसरा राहत पैकेज, 118 करोड़ होंगे खर्च। इस पैकेज का लाभ राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना से जुड़े लाभार्थियों और आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों के कुल 7,54,984 लोगों को मिलेगा। ऋषिकेश के एम्स में बना विश्व का पहला RFVR ट्रीटमेंट सेंटर, ट्रीटमेंट की सुविधा बिल्कुल निशुल्क। एम्स के रिकंस्ट्रक्टिव एवं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विभाग हेड डॉक्टर नवनीत मुगा अमेरिका के बाद विश्व के दूसरे RFVR ट्रीटमेंट विशेषज्ञ हैं। उत्तराखंड के आगरा फोर्ट एक्सप्रेस की चपेट में आने से हथनी और बच्चे की मौत, गुस्साए हाथियों के झुंड ने रोकी ट्रेन। ट्रेन के आगे हाथी का 6 महीने का बच्चा आ गया, ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बच्चे को बचाने के लिए आगे आई हथनी भी ट्रेन की चपेट में आ गई और उसने भी दम तोड़ दिया। देहरादून में दोपहर बाद बरसे बादल, अगले 72 घंटे तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के आसार। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में रुद्रपुर में काले झंडे दिखाने सड़क पर उतरे किसान, पुलिस की ने किया गिरफ्तार। गुरसेवक सिंह किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सांसद अजय भट्ट ने किसानों ने आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, किसान यहां यह पूछने आए हैं कि वादा कब पूरा होगा। 70 साल से इंजीनियरिंग का विश्व प्रसिद्ध संस्थान कर रहा हिंदी का उत्थान। हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज त्रिपाठी ने बताया कि संस्थान में साहित्य एवं प्रौद्योगिकी दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी ही खास और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और सुनने के लिए जुड़े रहें राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।